का कानपुर दौरा, सीएम योगी ने पहली बार सेल्फी ली और ये सेल्फी लेते हुए जो फोटो है वो कैमरे में कैद हुई। कानपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने पहली सेल्फी ली, पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे और सेल्फी लेते हुए पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ की जो फोटो है वो कैमरे में कैद हुई। पीएम मोदी का दरअसल आपको बता दें दौरा होना है और इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। कानपुर दौरा बेहद अहम सीएम योगी आदित्यनाथ का और इस बीच एक बेहद ही खास तस्वीर कैमरे में कैद हुई। पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी ली। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा भी लिया। का सेवर, पूरे कानपुर शहर का सेवर, जिस सीसा मऊ के नाले गंगा जी में गिरता था और मां गंगा को पूरी तरह प्रदूषित करके कानपुर नगर में इस बात के लिए यहाँ के वासियों को हमेशा इस बात का मलाल रहता था कि कानपुर नगर के कारण गंगा जी प्रदूषित हो रही है, आज नमामि गंगे परियोजना के कारण मिशन मोड पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जो कार्य हुआ है आज उसका परिणाम है कि सेवर गिरने की जगह वह स्थान एक सेल्फी पॉइंट बन गया है और कानपुर में मां गंगा का पानी आचमन लायक हो गया है। ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इन कार्यों की समीक्षा करने के लिए 14 को यहां पर आ रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर कानपुर की उपलब्धि और नमामि गंगे परियोजना के इस बेहतर परिणाम को स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। स्वाभाविक रूप से मां गंगा के प्रति जो आस्था भारत की थी, इस देश की है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी आस्था को सम्मान देने के लिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं इसी खबर पर। सारिका, क्या और जानकारी है? सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेते हुए भी तस्वीरें कैद हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की। सारिका, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास दौरा और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण लेने के लिए पहुंचे क्योंकि 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है और इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी लेते हुए कैमरे में ये तस्वीरें भी कैद हुई। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो गंगा का पानी है वो अब आचमन लायक हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं। सारिका, और क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि जो सीसा मऊ नाला है वो एशिया का सबसे बड़ा नाला है और वो गंगा को काफी प्रदूषित कर रहा था, तो इसको लेकर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया था। ये प्रधानमंत्री की मंशा थी कि जो देशवासियों की आस्था है गंगा के नाम पर वो बनी रहे और उसको लगातार बढ़ावा मिले, तो इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया था और इसी के तहत 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री कानपुर में आ रहे हैं और ये गंगा के घाटों में जो घाट स्थित है उनका जायजा लेंगे और जो नाले हैं उसको पूरी तरीके से टेप कर दिया गया है, उसको सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है और आज इसी का उद्घाटन भी सीएम ने किया है पहली सेल्फी लेकर। और कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें जो है वो गंगा के प्रति जो आस्था है उसको भी बढ़ा रही है और गंगा की अविरलता और बिल्कुल सारिका, इस बात का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है और इससे पहले तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच क्या कुछ तैयारियां चुस्त दुरुस्त पाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने?
देखिए उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी करी और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो साफ सफाई है वो चारों तरफ कर दी जाए, किसी भी तरीके की कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है और जो स्वच्छता की बात जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि होनी चाहिए और वो उनको कानपुर में दिखाई दे, तो काफी अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से लग गए हैं। प्रदेश स्तर पर भी काम हो रहा है और चारों तरफ साफ सफाई के साथ साथ गंगा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सारिका, साथ ही एक सवाल और उठता है कि कानपुर को ही क्यों चुना गया है? 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, अब ये बात कहां तक जाएगी? गंगा का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा भाग जो है वो कानपुर का ही लगता है, इसीलिए कानपुर को चुना गया। और कानपुर में जो गंगा बहती है वो कहीं ना कहीं टेंडियों के कारण और सीवर का जो नाला था उसके कारण सबसे ज्यादा प्रदूषित था, इसलिए कानपुर शहर को चुना गया है। और यहाँ पर जो प्रदूषण है वो ना मिले और उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, इसलिए मोदी जी ने कानपुर शहर को चुना है। चलिए सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और इसको देखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने के भी आदेश दिए हैं। अरे